आज शाम कोयम्बटूर में सब कुछ लवली है, धूप जा चुकी है, अब ज़्यादा गर्मी नहीं है, थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है, लाइटें ऑन हो चुकी हैं, स्ट्रीट फूड वेंडर सारे बाहर निकल चुके हैं, सब कुछ है लवली ही लवली। जी हाँ, और हम बैठे हैं लवली चाट शॉप में, जिसको शुरू किया था एम नासर जी ने 2002 में, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कोयम्बटूर का एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट स्नैक जिसका नाम है कालक। और अगर आप ये लवली पे आके ट्राई करना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा राजा अन्नमलाई स्ट्रीट या रोड, जो है साई बाबा कॉलोनी में कोयम्बटूर में, और शाम को। जी हाँ, और खास बात इसकी ये है कि बिल्कुल हम्बल बिगिनिंग से कोयम्बटूर में शुरू हो गए, आज ये पूरे तमिलनाडु में फैल गया है। तेरे को कहानी पता है? हाँ, मेरे को मालूम है। सब मालूम होता है इसको। तू बता। कहानियां बनाने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, पर ये सच्ची की कहानी है। तो लेट 90s में एक जे एंड एम केक फैक्ट्री थी। मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। हाँ, केक फैक्ट्री थी। हाँ, तो केक फैक्ट्री में जो सारा वो जो होता था डिस्कार्ड होता था कि ब्रेड की साइज का और कैबेज या पत्ता गोभी का, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स थे वो सारा ले लेते थे, थोड़ा सा उसमें मशरूम मिक्स करते थे और उसके ऊपर डालते थे अपने खूब सारे मसाले और उसको सबको फ्राई कर देते थे, और वहाँ से बना ये स्नैक कालन फ्राई। उसके बाद ये कोयम्बटूर से शुरू होकर पूरे तमिलनाडु में फैल गया। लेकिन मजे की बात ये है कि बहुत कम मशरूम होता है इसमें, लेकिन अभी भी सब इसको बोलते हैं कालन फ्राई। जी हाँ, तो अगर आप यहाँ पे आएंगे मशरूम 65 या मशरूम बैटर फ्राई टाइप की चीजें लेंगे तो वो नहीं होने वाला। डोंट वरी माय फ्रेंड, मैं हमेशा अपना बैग साथ में लेके चलता हूँ, और बैग में लेके चलता हूँ मैं अपना पानी। यस, देखो खाना आप बाहर खा सकते हो, स्पेशली स्ट्रीट फूड, क्योंकि स्ट्रीट फूड में टर्नओवर फास्ट होता है, इसलिए ऑयल हॉट होता है, फटाफट चीजें बिक रही हैं, तो ऐसा होता है कि आपको चांसेस कम होते हैं बीमार होने के स्ट्रीट फूड खा के। लेकिन पानी अगर आपको आदत हो, लेकिन पानी, वाटरबॉर्न डिजीजेस, वेरी डेंजरस, कच्ची चीजें, तो इसलिए पानी हमेशा अपने साथ लेके जाना चाहिए। एंड आई मेक श्योर मैं व्हेरेवर आई गो आई हैव माय बैग विद मी, और मेरे साथ है बिस्लरी की एक बोतल, और ये देख बिस्लरी का साइन ऑन टॉप, प्योरिटी और की श्योरिटी और गारंटी, और पानी बिल्कुल सेफ एंड गुड फॉर यू, हाइड्रेट भी होना इंपॉर्टेंट होता है। सोल्ड। तो ये बहुत अच्छा ट्रैवल ट्रिप है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो स्ट्रीट फूड ऐसी चीज़ है कि स्ट्रीट फूड है ना, मिलता तो स्ट्रीट फूड है लेकिन है सब कुछ रिच इसमें, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट रिच, क्वांटिटी ऑफ मक्खन या तेल रिच, क्वांटिटी ऑफ स्पाइसेस रिच, तो उससे क्या होगा आपको प्यास बहुत लगेगी, तो आप निकलते भी हो स्ट्रीट को, खाना सेफ है, पानी अपना अगर साथ में लेके निकलें तो ज़्यादा सेफ्टी है। अच्छा ये बताइए कि टेस्ट कैसा है इस सब चीज़ का? तो हमने जो ऑर्डर किया है एक सिंपल क्रॉस सेक्शन दिया है, कालन फ्राई जो है मशरूम्स, साथ में भेल, कालन भेल, तो ये मशरूम वाली भेलपुरी है, ये भेलपुरी सिर्फ प्योर, और ये कालन नूडल्स, यानी कि मशरूम और नूडल्स साथ में, तो अगेन मशरूम की क्वांटिटी थोड़ी कम है, लेकिन फ्लेवर जो है स्पाइसेस जो है बड़े अनयूजुअल है, जैसे आपको चाट नॉर्थ इंडिया मिलेगी या गुजरात में या महाराष्ट्र में मिलेगी, उससे बिल्कुल अलग टेस्ट है, दिस इज वेरी यूनिक टू दिस रीजन, मतलब इसी रीजन के जो स्पाइसेस है, जैसे कि सिनेमन का टेस्ट मेरे को आ रहा है। मेरे को पता है क्या लवली लग रहा है, टेस्ट तो जो भी है, स्मेल देखिए, अब हम यहाँ पे बैठे हुए पीछे वहाँ पे आसिफ साहब की उनका म्यूजिक चल रहा है रेडियो पे, और बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने इंसेंस जलाई हुई है मच्छर भगाने के लिए भी, और अच्छे स्मेल के लिए अच्छी अच्छी स्मेल्स आ रही हैं, और ये मेरे सामने पड़ा इतना अच्छा मेन्यू, अरे मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे सब कुछ मिलता है क्योंकि तमिल में लिखा है, बाई चांस मैं तमिल पढ़ सकता हूँ, ये देखिए रेडी, फटाफट पढ़ के सुनाओ इन वन ब्रेथ, पढ़िए मेन्यू, लवली मशरूम स्टॉल, भेलपुड़ी, पानी पूरी, मसाला पूरी, एक भेलपुड़ी, भेल मशरूम मिक्स, एक भेल मशरूम मिक्स, मशरूम एग, मशरूम वेज नूडल, एग नूडल, नूडल मशरूम मिक्स, एग नूडल मशरूम मिक्स, पुट द प्लेट्स इन द डस्टबिन आफ्टर ईटिंग। क्या बात है यार, तेरी मेमोरी कितनी इंप्रूव हो गई, और तूने तमिल पढ़ी भी सीख ली। यस, देखा इंप्रेस हुए, 5 दिन में तमिलनाडु में मैंने तब तक रहा है यार, तू मेरी पोल क्यों बोल देता यार हर टाइम यार, ये क्या बात है यार। तो इसके जो स्पाइसेस है बड़े इंटरेस्टिंग है, और बड़ी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं और मयूर अभी बात कर रहे थे कि जो खाना आपको जिस रीजन में जैसा मिलता है, जो चाट होता है या स्ट्रीट फूड होती है, वही स्पाइसेस को यूज करके ये टेस्ट को हाइटन करते हैं।
तो जो एक टिपिकल तमिल टेस्ट है इसके अंदर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर चाट, लेकिन इतनी पॉपुलर है कि आप देख रहे हैं कि सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये जगह हमेशा भरी हुई रहती है यहाँ पर। तो आइएगा ज़रूर, पानी साथ में लेते आइएगा, क्योंकि शार्पनेस चाट में हर जगह होती है और प्यास आपको लगेगी। और इतनी गर्मी में डिहाइड्रेशन इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग 6-7 घंटे बाहर रहते हैं, घूमते हैं सड़क पे, तो पसीना खूब आता है, गर्मी खूब लगती है, तो हाइड्रेट करते रहिएगा। ये आपकी दो टिप्स हैं। अर्ज किया है, अर्जी है। थी एक बहुत शाम, ठंडी हवा, अच्छा स्मेल, लेकिन मिले नहीं बालन। कोई बात नहीं, दिल को और पेट को खुशी तो मिली, खाके ये लवली कालन। भाई पोएट्री भी कभी भी लाइफ में, कभी भी लाइफ में आप बोलेगा यार।